हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें मूर्ति भी कहा जाता है, ये भी भगवान के एक प्रकार के अवतार हैं। कृपा करने के लिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं, जिन्हें हम मंदिर में भी रखते हैं और घर में भी रखते हैं। जब भगवान ऐसे रूप में आते हैं तो हमें उनकी पूजा ऐसा मान के करना चाहिए कि ये हमारे घर में एक जैसे हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वैसे पूजनीय और श्रेष्ठ हैं और घर के सबसे ज़्यादा सम्माननीय व्यक्ति हैं। हम उन्हें भगवान कहते हैं, पर समझाने के लिए मैं व्यक्ति कह रही हूँ। तो इनकी हर चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए, जैसे वस्त्र खरीदना है, इन्हें कुछ खिलाना है, इन्हें कुछ श्रृंगार कराना है, तो सब ज़्यादा होने चाहिए, घर के बाकी सदस्यों से ज़्यादा अच्छे से। तो अभिषेक जो होता है ये एक एक श्रृंगार का एक हिस्सा है, ये सेवा का एक हिस्सा है। इसमें भगवान को दूध, दही, घी, ये सब गाय का होना चाहिए, और उसके बाद शहद और मिश्री का पानी, इन चीज़ों से नहलाया जाता है। इसके बाद फलों के रसों से नहलाया जाता है। इसको अभिषेक कहते हैं संस्कृत में, नहलाना नहीं कहते हैं, जिससे कि भगवान का रूप सुंदर लगता है और भगवान खुश रहते हैं, भगवान स्वस्थ रहते हैं, भगवान के चेहरे पर चमक रहती है। फिर उन्हें बहुत अच्छे अच्छे आभूषणों से और वस्त्रों से सजाना चाहिए और उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाने चाहिए, जिससे भगवान तृप्त रहें। और जब भगवान तृप्त रहेंगे तो हमारे घर के सारे सदस्य खुश रहेंगे, क्योंकि भगवान यदि खुश हैं तो सब खुश हैं। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी दिया तो पेड़ के सारे हिस्से में पानी चला जाता है, इसी तरह